नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शहरी विकास मंत्रालय की समीक्षा। केंद्रीय योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। मसूरी और देहरादून में स्मार्ट पार्किंग बनाने के निर्देश। मुख्य सचिव ने दिए राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण समिति बनाने के निर्देश। पर्यावरण सेल का हो चुका गठन। एनजीटी के निर्देशों पर लिया गया फैसला। केंद्रीय पोर्टल पर कराना होगा होटल, धर्मशाला और होमस्टे का पंजीकरण। पौड़ी में पर्यटन विभाग संचालकों को कर रहा जागरूक। कोरोना से बचने के लिए दे रहा जानकारी। और राज्य में पहली बार होगी हिम तेंदुओं की गणना। 2021 में जारी किए जाएंगे गणना के आंकड़े। उच्च हिमालय क्षेत्र के 10 वन प्रभागों में लगाया जाएगा हिम तेंदुओं का पता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रियों के मंत्रालयों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के विभाग से की गई। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास और आवास से संबंधित राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और अमृत योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक सहायतित संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किए जाने के साथ ही नगर निकायों में अवस्थापना विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही इसके लिए अधिकारियों को नामित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में बस अड्डों और पार्किंग निर्माण की योजनाओं में तेजी लाने को कहा। साथ ही पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी में स्मार्ट पार्किंग की दिशा में भी योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निकायों के मास्टर प्लान तैयार करने पर भी ध्यान देने को कहा। इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मैप अप्रूविंग सिस्टम को प्रभावी बनाए जाने के साथ ही संबंध में जो नियमावली तैयार की जानी है उसका ड्राफ्ट आगामी कैबिनेट के समक्ष रखने को भी कहा। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि अब प्रत्येक जिले में एक पर्यावरण समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यावरण सेल का गठन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक गंगा का पानी पीने योग्य है। ऋषिकेश से हरिद्वार और उससे आगे राज्य की सीमा तक गंगा का पानी नहाने योग्य है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में 32 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने थे जिनमें से 29 बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी 3 में से 2 दिसंबर माह तक और 1 मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगा के तटवर्तीय शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 17 प्रोजेक्ट लगाए जाने हैं जिनके लिए केंद्र से मिलने वाली 35% धनराशि की पहली किश्त जारी हो चुकी है। इन पर 65% धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। एनजीटी ने आदेश किए थे पहले कि प्रत्येक जो जनपद है वहां पर एक कमेटी होगी एनवायरमेंट रिलेटेड, और जो गंगा जहाँ बहती है स्टेट्स में खास तौर पे, और अभी जहाँ तक गंगा में जो वाटर क्वालिटी की स्थिति है कि ऋषिकेश तक का पानी जो है वो गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी ये पीने लायक, और ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे तक जहाँ तक राज्य की सीमा है वहाँ का पानी नहाने लायक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होमस्टे और आश्रम संचालकों को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए पौड़ी जिले में पर्यटन विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत कोटद्वार में होटल व्यवसायियों, धर्मशाला और होमस्टे संचालकों के साथ जिला पर्यटन अधिकारी पौड़ी ने बैठक की। जिला पर्यटन अधिकारी खुशहाल सिंह नेगी ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर पर्यटन स्थलों के सभी होटल व्यवसायियों को कोरोना से बचाव के उपाय के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें कोविड से संबंधित जानकारी उनको दी गई है
और जो सावधानियां बरतनी है पर्यटकों के साथ और जो स्टाफ है उन लोगों के साथ जो सावधानियां बरतनी उसके संबंध में उनसे चर्चा की गई है। और उसमें मेनली तो वही है कि मास्क जरूरी लगाएं, हाथ को धोएं और डिस्टेंसिंग में रहें। तो अन्य चीजें हैं जैसे रूम को सैनिटाइज करना, रेस्टोरेंट को सैनिटाइज करना। होटल व्यवसायी योगेश धस्माना ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना से बचाव पर ध्यान देना चाहिए ताकि होटल में काम करने वालों और होटल आने वाले पर्यटकों को कोरोना से बचाया जा सके। उत्तराखंड में पहली बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड की गणना होगी। ये गणना 2 नवंबर से शुरू होगी और पहले चरण की गणना 20 दिसंबर तक चलेगी। सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत उच्च हिमालयी क्षेत्र के 10 वन प्रभागों में हिम तेंदुओं का पता लगाया जाएगा। इन प्रभागों के 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 80 ग्रेड में बांटा गया है, जिनमें 80 टीमें गणना करेंगी। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की जाती रही है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, बद्रीनाथ और केदारनाथ वन प्रभागों के साथ ही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद वन्यजीव विहार के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखे जा चुके हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 4 चरणों की इस गणना के नतीजे अगले साल सार्वजनिक किए जाएंगे। इसमें हिम तेंदुओं के फुटमार्क, मल के नमूनों लेने के साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष भी देखा जाएगा। 4 चरणों की इस गणना के नतीजे अगले साल घोषित किए जाएंगे। देखो, हिम तेंदुआ के लिए हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी स्वीकृति हो गई है। उसके लिए भी हमने कैंपा के माध्यम से धनराशि दी है, उसके लिए कार्यरत संस्था बना दी गई है, शासनादेश हमने जारी कर दिया है। और मतलब ये मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ये पहला प्रयास है जो हिम तेंदुए पर कोई प्रदेश सरकार काम कर रही है। गणना में स्थानीय निवासियों, सेना, आईटीबीपी के जवानों और चरवाहों की मदद भी ली जाएगी। इसके बाद जगह जगह कैमरा ट्रैप लगाकर इनकी तस्वीरें भी ली जाएंगी। हल्द्वानी स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में वाहनों के ई फिटनेस का काम शुरू कर दिया गया है। वाहन स्वामियों को वाहनों की फिटनेस कराने के लिए ऑनलाइन ही गाड़ी के दस्तावेज जमा कराने होंगे। परिवहन विभाग के कर्मचारी सॉफ्टवेयर के जरिए वाहनों के दस्तावेज चेक कर उनको कुछ ही मिनटों में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। संभागीय परिवहन अधिकारी राजीव मेहरा ने बताया कि ई फिटनेस के माध्यम से यह काम में पारदर्शिता आएगी, साथ ही वही वाहन चल पाएंगे जिनके दस्तावेज सही होंगे और वाहन चलने लायक होंगे। इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। अब टैब के माध्यम से जो है वाहनों की फिटनेस होगी और इसमें किसी वाहन के जो भी उसके वैध प्रपत्र हैं वो सीधे जो है वाहन फोर सॉफ्टवेयर से टैब में आ जाएंगे और उसके जो भी चेक पॉइंट्स हैं उनको हमारे टेक्निकल अधिकारी देखते हुए हैं उनको उसमें ओके करेंगे। यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसको इसमें जो है वाहन की जो फिटनेस है उसको फेल कर दिया जाएगा। दूसरा इसमें है कि जो हमारे टेक्निकल अधिकारी उनके लिए बात हो गया है कि जिस वाहन की फिटनेस करेंगे, फिटनेस करने के बाद उस वाहन के कम से कम 5 फोटोग्राफ खींचकर वो उसमें टैग में अपलोड करेंगे। तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा के किनारे बने घाटों पर अब गंदगी नजर नहीं आएगी। घाटों को जिले की ही स्वयंसेवी संस्थाएं गोद लेकर उनका रखरखाव करेंगी। घाटों पर गंदगी रहने और अराजक तत्वों के जमावड़े के कारण लोग घाटों पर घूमने नहीं जा पाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। अब इन घाटों को स्वयंसेवी संस्थाओं को गोद दिया जाएगा जो इन घाटों का रखरखाव करेंगी, साथ ही इनके सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान देंगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि फिलहाल प्रयोग के तौर पर कुछ घाट स्वयंसेवी संस्थाओं को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इन घाटों पर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के बाद पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जैसे लास्ट टाइम भी कहा था तो 3,000 के आसपास कर रहे हैं, तो हर रोज जो है बढ़ता जा रहा है। 2600, 2700, कल 2900, उस प्रकार का जो इश्यूज है उसमें भी प्रगति है। मतलब अभी क्लियर होकर के आया नहीं है मगर लगातार प्रगति है। उसमें भी आईसीएमआर से हमने जो संपर्क किया था, आईसीएमआर ने हमें जो है कुछ डायरेक्शन। इसलिए साप्ताहिक मुद्दे में तो कोई विशेष अपडेट नहीं है क्योंकि हर हफ्ते हम बताएंगे तो इतना ही बता पाएंगे, अदरवाइज जो है इम्प्रूवमेंट है, नियंत्रण में है।
सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में अहम निर्णय लिया गया। इस दौरान समिति ने 22 निकायों की 9 डीपीआर को अनुमोदित किया। बैठक में सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश के 91 निकायों के लिए 65 डीपीआर निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 90 निकायों के लिए 65 डीपीआर बना ली गई हैं और अंतिम एक डीपीआर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि 68 निकायों में से 53 की डीपीआर केंद्र सरकार ने स्वीकृत भी कर ली हैं। उधम सिंह नगर जनपद में 6 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हुए हैं, 4 में उत्पादन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्रोथ सेंटर के तहत रुद्रपुर में 38 लाख रुपए की लागत से बेकरी ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की गई है। इसमें 40 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, साथ ही 40 समूहों की 103 महिलाओं को केक मशीन, मडुए के बिस्किट और अन्य बेकरी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब तक 2 विकास खंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 11,233 पैकेट बिस्किट बनाने का ऑर्डर मिला है। अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि जनपद में 6 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हुए हैं, जिनमें महिलाएं उत्पादन कर अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है। पूरे हमारे जनपद में उधम सिंह नगर में 6 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 4 ग्रोथ सेंटर में पूरा वहां पे महिलाएं काम कर रही हैं। एक तो हमारा बेकरी उद्योग है, दूसरा एक मसाला उद्योग है, तीसरा डेयरी का है और चौथा हस्तशिल्प का है जो खटीमा में है। तो 4 ग्रोथ सेंटर हमारे काम कर रहे हैं और 2 ग्रोथ सेंटर पे अभी शुरू नहीं हुए हैं, उस पर विभागों द्वारा अपनी कार्रवाई की जा रही है। एक मत्स्य का है, एक उद्योग विभाग का है और जो हमारे 4 ग्रोथ सेंटर चल रहे हैं उसमें महिलाएं काफ़ी मेहनत कर रही हैं और उसमें जो बेकरी वाला उसमें मफिन्स और केक सब बहुत अच्छे से बना रही हैं। लाभार्थी समूह की महिला संध्या का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई ये योजना बहुत लाभकारी है, इससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। आ रही यहाँ ग्रुप सेंटर में हम लोग की बुलाया गया काम के लिए। हम लोग घर के काम करके फिर आते हैं, यहाँ करके अपना समय निकल के आते हैं और यहाँ के काम करते हैं और हमें खूब अच्छा लग रहा है जो सरकार हमें ये सुविधा दिया जो हम लोग औरत कुछ कर सकते हैं, कुछ आगे निकल सकते हैं। सुमन कहती हैं कि अब वे आत्मनिर्भर हैं और खुद बिक्री कर सकती हैं। जो भी सामान बनाया जा रहा है वे आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जा रहा है। हम किसी पे आश्रित नहीं है, हम अपना खुद कुछ चला सकते हैं, खुद बना के मतलब बिक्री करते हैं और जो बिस्किट हमारे जो बिस्किट बना रहे हैं मडवे के ये आंगनबाड़ी में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में भानियावाला निवासी निशानेबाज अमित कुमार को सम्मानित किया। अमित ने दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया था। अमित ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल जूनियर मैन सिविलियन टीम चैंपियनशिप और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल मैन सिविलियन टीम चैंपियनशिप में रजत पदक और 25 मीटर पिस्टल जूनियर मैन सिविलियन चैंपियनशिप व्यक्तिगत में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इससे पहले अमित ने 2018 में नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शहरी विकास मंत्रालय की समीक्षा, केंद्रीय योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा, मसूरी और देहरादून में स्मार्ट पार्किंग बनाने के निर्देश। मुख्य सचिव ने दिए राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण समिति बनाने के निर्देश, पर्यावरण सेल का हो चुका गठन, एनजीटी के निर्देशों पर लिया गया फैसला। केंद्रीय पोर्टल पर कराना होगा होटल, धर्मशाला और होमस्टे का पंजीकरण, पौड़ी में पर्यटन विभाग संचालकों को कर रहा जागरूक, कोरोना से बचने के लिए दे रहा जानकारी। और राज्य में पहली बार होगी हिम तेंदुओं की गणना, 2021 में किए जाएंगे गणना के आंकड़े, उच्च हिमालय क्षेत्र के 10 वन प्रभागों में लगाया जाएगा हिम तेंदुओं का पता। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।